हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही खूबसूरत सर्दियों के पौधे के बारे में, जो कि फ्लावर्स का पौधा है और बेहद ही खूबसूरत होता है और इतनी जगह कवर कर लेता है एक ही प्लांट कि दूसरे प्लांट की ज़रूरत ही नहीं होती है। वो ऊंचाई में भी अच्छी जगह लेता है और चारों ओर खुशबू तो नहीं आती है बट खूबसूरती बहुत फैला देता है। आजकल हाइब्रिड के भी फ्लावर्स प्लांट आने लगे हैं, इसका नाम है हॉलीहॉक्स। तो ये वैसे तो बहुत कॉमन है बट हमारे यहाँ देखने के लिए राजस्थान में कम मिलता है क्योंकि ठंडी जगहों पर ये ज़्यादा होता है। और मैं फर्स्ट टाइम इसकी बीजों से सीडलिंग कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ। तो ये काफ़ी कुछ दिन अक्टूबर में या सितंबर लास्ट में मैंने इसको ग्रो किया था बीजों से। तो आप देखिए वीडियो, मैंने कोशिश की, एक छोटी सी बहुत ही बेहद ही खूबसूरत फ्लावर्स का प्लांट है। हॉली हॉक्स के बीज हैं मेरे पास में, ये देखिए, ये वाले हैं और ये वाले हैं, ये तो इसी में ही मैंने डाल दिए थे। ये कौन सा कलर है, मेरे पास 2 साल हो गए इनको रखे हुए, तो मुझे कलर भी ध्यान नहीं है। इसी में ही मैंने एक साथ ही डब्बी के अंदर डाल दिए थे। पहली बार हॉली हॉक्स लगा रही हूँ मैं, तो सफल रहता है क्या? तो इनको मैं प्लांट कर रही हूँ। ये येलो रेन लिली के बीज हैं, मैंने इकट्ठे करके रख लिए हैं। थोड़ा बहुत हम इकट्ठे करके सेव करके रख लें तो 2-3 साल इनका कुछ नहीं बिगड़ता है। और अगर गमले में हमारा प्लांट रहता है तो 2 या 3 साल ज़्यादा से ज़्यादा वो फ्लावर देगा, फिर उसके बाद में उसकी फ्लावरिंग कम हो जाती है। इसलिए हमें हर 2-3 साल में बीजों से इसका प्रोपेगेशन करना चाहिए तो फ्लावर्स अच्छे देता है वो। कोई भी बीज वाले प्लांट हो, गमले में ही रह जाता है तो उसकी फ्लावरिंग कम हो जाती है, तो इसलिए इनको कलेक्शन करके रख लीजिए। देखिए, आपको एक चीज़ और दिखाती हूँ, एक बीज ये है मोर पंख के बीज, आपको दिखाती हूँ मैं। ये किसी वीडियो में मैंने आपको इसको छील करके भी बताया था। फोकस फोकस, ये देखिए, ये मोर पंख का बीज है, तो इसको मैंने छील करके रख दिया था। ये देखिए, ये भिंडी के बीज हैं, ये मोर पंख का है। इसमें कुछ 4-5 है मेरे पास में, उसमें बीज आता है सूखने के बाद में, उसको छील करके फिर कलेक्ट करके रख लो। ये तो ये मोर पंख के बीज हैं, भूल गई मैं बारिश में ग्रो करती इनको, बट अभी मैं इनमें से जरबेरा में से अपने होली हॉक्स के बीज कलेक्ट कर रही हूँ जो कि मिक्स हो गए हैं। देखिए, ये होली हॉक्स के बीज ऐसे होते हैं, ब्लैक और थोड़े चपटे होते हैं। ये देखिए, ऐसे चपटे होते हैं, बिल्कुल पतले पतले। तो ये इतने ही हैं मेरे पास में, तो इनको ग्रो करने की कोशिश करती हूँ मैं। पिछले विंटर में मैं कहीं से लेकर आई थी, तो इनको सीडलिंग से मैं ग्रो कर रही हूँ, थोड़ा थोड़ा, धीरे धीरे, थोड़ी थोड़ी दूरी पर। मैं इस तरह कुछ डाल दूंगी इसमें, ऊपर से थोड़ा सा धीरे धीरे सूखी मिट्टी को इस पर हम थोड़ा सा कवर कर देंगे, इसको ज़्यादा नहीं दबाएंगे क्योंकि तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा। थोड़ा थोड़ा सा ये एक मतलब लेयर सी लगा दी है इसके ऊपर, थोड़ा कवर हो जाएगी, एक लेयर जैसी लगा दूंगी। मेरा जो स्प्रे करने का था बॉटल, वो ख़राब हो गया है, तो मैं अभी इसमें पानी इसी तरह से दे रही हूँ, जैसे लेकर के अंजुली से इस तरीके से धीरे धीरे दे रही हूँ। मैंने पहले गमले की मिट्टी को पूरी तरीके से गीला कर दिया था, जो नीचे मिट्टी है उसको। अब इसको हम थोड़ा सा ह्यूमिड माहौल देने के लिए, ताकि थोड़ा उमस से जल्दी ग्रो हो जाए, तो एक अखबार लेंगे और अखबार से इसको गमले को कवर कर देंगे। इसको बांध दूंगी मैं चारों ओर से, तो बांध के आपको दिखाती हूँ। दोनों गमलों को ऐसे ही करूँगी मैं अखबार से बांध के, और कोई ऐसी जगह रख दूँगी जहाँ हल्की सी नमी हो और थोड़ा खुला हो, धूप नहीं हो, वहाँ पर ऐसी जगह इसको रखना है जहाँ धूप नहीं आती हो।
देखिए इस तरीके से मैंने इसको चारों ओर से धागे से कवर करके और बांध दिया है अखबार से कवर करके। तो इसको चार पाँच एक दिन में हम खोल करके अखबार को देखेंगे कि हमारे स्प्राउट्स आ गए हैं क्या उनमें, बीजों में। तो उसके लिए हम वेट करते हैं, फिर दिखाती हूँ मैं 5 दिन बाद का रिजल्ट आपको। अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है, 5 दिन हो चुके हैं, आज 6ठा दिन है। तो दोबारा मैं इसको हल्का सा पानी स्प्रे करके फिर दोबारा से रखती हूँ। ये हॉलीहॉग के 15 से 20 दिन के बीच का है ये वीडियो। ये देखिए इसमें अंकुरण 1, 2, 3 और एक छोटा छोटा और है 4, 5 और एक ये 6। अखबार लगाए थे मैंने 5 दिन बाद में देखा तो कुछ भी अंकुरण नहीं हुआ था, अखबार मैंने हटा दिया। और उसके बाद में एक शेड जगह में मैंने उसको रखा हुआ है, तो खुले में ही ये अंकुरण बीजों में से हो चुका है। तो 15 से 20 दिन के बीच का है ये करीब, तो 15 से 20 दिन में ये है कंडीशन।